तो देखो भाइयों, गेम में हेडशॉट मारना तो हम सभी को पसंद है, सही बात है, पर दिक्कत ये है कि हमसे हेडशॉट पढ़ नहीं पाते और फिर हम जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जहाँ पे बंदे भाई हाथ से, पैर से, टोनी से, इवन दूसरे की उंगली से ही हेडशॉट मार देते हैं। इन्हें देखकर आप जरूर सोचते हो कि क्या ये बंदे हैकर हैं? नहीं। तो क्या ये बंदे स्क्रिप्ट यूज करते हैं? नहीं। तो क्या ये बंदे प्रो हैं? नहीं। तो आखिर ये बंदे क्या यूज करते हैं कि इनके इतने खतरनाक हेडशॉट पड़ते हैं? तो भाई ये बंदे यूज करते हैं हेडशॉट सेटिंग्स का। अच्छा। तो आप लोग जरूर ये सोच रहे हो कि आखिर ये हेडशॉट सेटिंग्स होती क्या है? नहीं। तो देखो भाइयों, आपके फोन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपका हेडशॉट रेट भी इंक्रीज हो। तो इसलिए गाइस मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें गाइस मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसे हेडशॉट सेटिंग्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपने हेडशॉट के रेट को अलग ही लेवल पे पहुंचा सकते हो। क्या बात है। और इन सेटिंग्स को चेंज करने के बाद गाइज आपका हेडशॉट रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो गाइज उसमें भी अगर आपका गेम लैग करता है तो यार इन सेटिंग्स का यूज करने के बाद आपका गेम लैग बहुत कम हो जाएगा एंड आपका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन 5 सेटिंग्स के बारे में जानना। लेकिन लेकिन उससे पहले जो भी भाई लोग यार चैनल पे नया आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने में तुम्हारा जाता ही क्या है, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करो यार। बात तो सही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो यार, इनमें से जितनी भी मैं आपको 5 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, इनमें से 2 सेटिंग ऐसी हैं जो आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगी। अब डेवलपर ऑप्शन वैसे आपका शायद ऑन होगा लेकिन काफ़ी बंदों का ऑन नहीं भी होता है क्योंकि वो फैक्ट्री वाले ऑन करके नहीं भेजते, ठीक है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको मैं पूरा मेथड बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है ना, अगर आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है, सबसे पहले आपको अबाउट फोन के अंदर चले जाना है आपके सेटिंग्स के अंदर, एंड उसके अंदर जाके आपको बिल्ड इन नंबर मिलता है एंड उसको अगर आप 7-8 बार टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है एंड फिर आप अपनी सेटिंग्स को वहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो चलिए अब नंबर 1 सेटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी पहली सेटिंग, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड ऊपर सर्च बार पे लिखना है ड्यूल टाइमिंग। या तो यार ये तो ड्यूल टाइमिंग नाम से होगा आपके फ़ोन के अंदर या पॉइंटर स्पीड नाम से होगा। अब दोनों के फंक्शन एक ही होते हैं, बस नाम हो सकता है अलग हो। मेरे में यहाँ पे ड्यूल टाइमिंग नाम से है। अगर आपका ड्यूल टाइमिंग नाम से है तो आपको अपनी ड्यूल टाइमिंग यहाँ पे 0.2 सेकेंड की कर देनी है, ठीक है। एंड अगर पॉइंटर स्पीड नाम का है तो जो आपका जो पॉइंटर स्पीड का बार है उसको सबसे पीछे ले जाना है। अब इस सेटिंग को चेंज करने से होगा क्या, इस सेटिंग को चेंज करने से आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी ग्लूवर लगा पाओगे, आपका फ़ोन बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करेगा आपके टच के। तो यार ये सेटिंग ज़रूर से चेंज कर लेना। तो अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर सेटिंग के ओर। सबसे पहले देखो सेकंड नंबर सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, सर्च बार में आना है एंड सर्च करना है टच एंड होल्ड डिले, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर हो सकता है आपका मीडियम पे सिलेक्ट हो, ज़्यादातर फोन्स के अंदर मीडियम पे सिलेक्ट होता है, तो आपको इसको मीडियम पे नहीं रखना, आपको इसको कर लेना है शॉर्ट पे। अब शॉर्ट पे करने से होगा क्या कि आपका जो टच रिस्पॉन्स है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा स्क्रीन पे, तो आपको ये शॉर्ट पे कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा कारगर सेटिंग है। तो अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 3 की ओर। तो देखो सेटिंग नंबर 3 मिलेगी आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर। आपको क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना है एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्राफिक ड्राइवर करके, उसके अंदर गाइज आपके सारे ऐप्स यहाँ पे लिख रहे होंगे, ऐसे नाम आ रहे होंगे सारे ऐप्स का। उसके अंदर आपको यहाँ पे फ्री फायर ढूंढना है एंड फ्री फायर जैसे आप ढूंढ लोगे उसके अंदर जाके उसकी सेटिंग को चेंज करना है एंड सिस्टम ग्राफिक्स करके उसकी सेटिंग को चेंज कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आपके देखो पहली बात तो आपका जो ग्राफिक्स रहेंगे गेम के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे एंड जो आपका गेम लैग मारता है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो यार अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपकी बहुत तगड़ी सेटिंग है। तो अब बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 4 की ओर। तो सेटिंग नंबर 4 के लिए आपको फिर से डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन के अंदर जो ग्राफिक ड्राइवर था उसी के थोड़े नीचे आपको जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक सेटिंग 4x MX Poly ऐसे कुछ के नाम करके, ऐसी मतलब अजीब सी सेटिंग है, ठीक है। उसको क्या करना है, इस सेटिंग में भाई कोई ऑप्शन नहीं है अंदर, आपको डायरेक्टली बस इसको इनेबल कर देना है। अब इसको इनेबल करते ही क्या होगा ना, आपका जो लैग रहेगा फ़ोन के अंदर वो काफ़ी कम हो जाएगा जब आप गेम खेलोगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको ऑन करने के बाद जो आपका बैटरी रहेगी ना वो थोड़ी जल्दी से मतलब ऐसे कम होने लग जाएगी,
तो अगर आपका बैटरी बैकअप अच्छा है फ़ोन का तो उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो फिर रहने देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट सेटिंग के ऊपर। तो लास्ट सेटिंग से यहाँ पे ग्राफिक्स, देखो यार आपके गेम के अंदर जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी गेम की क्वालिटी को लेकर। अगर आप गलत ग्राफिक्स का यूज़ करोगे तो बहुत ज़ोर से आपका फ़ोन गर्म हो सकता है, लैग कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स बता देता हूँ। देखो अगर 2GB रैम या 3GB रैम का फ़ोन है आपके पास तो आप नॉर्मल यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स का यूज़ करोगे। बस आपको यहाँ पे जो हाई FPPS है उसको ऑन कर लेना है। एंड अगर आपका 4GB रैम से लेकर 8GB रैम तक का भी फ़ोन है ना तो आपको स्टैंडर्ड ग्राफिक्स यूज़ करने एंड हाई FPPS को ऑन करना है। एंड जिनका फ़ोन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है कि यार 8GB रैम, 10GB रैम, 12GB रैम के जो फ़ोन आते हैं तो वो बंदे अल्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा में भी आपको जो हाई रेजोल्यूशन है उसको ऑन नहीं करना, क्योंकि बहुत से बंदे इसको ऑन करते हैं। भाई नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। आप बस हाई FPPS को ऑन करना, शेडो भी ऑन मत करना, शेडो से काफ़ी ज़्यादा लैग होता है फ़ोन। तो यार इस तरीके की अगर आप सेटिंग्स का यूज़ करोगे तो आपका गेम एकदम मक्खन की तरह चलेगा एंड आपके हेडशॉट अलग ही लेवल के लगेंगे। तो होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नया और सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।